आपका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है हिमाचल में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ ही जो है पूरे प्रदेश में और शिमला ज़िले में जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो इलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूँगा, और उसके बाद अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी हम ज़रूर देंगे। तो जो शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस है, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को जो रिस्पेक्टिव आरओज हैं वो जारी करेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 25 अक्टूबर होगा, और डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 27 अक्टूबर होगी, और डेट ऑफ विड्रॉल की जो लास्ट डेट है विड्रॉ करने की अपने कैंडिडेचर को वो 29th ऑफ अक्टूबर होगी। और हमारे ज़िले में जो पोलिंग होगी वो आपका 12 नवंबर को होगी, और 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग होगी, और 10 दिसंबर तक जो है इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ज़िले में जो है 1044 पोलिंग स्टेशंस हैं, और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो है स्प्रेड आउट है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पे जो है स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जो 10 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, और स्पेशल समरी रिवीजन के बाद हमारे ज़िले में 583,939 वोटर्स हैं, जिसमें कि आपका मेल है 298,171 और फीमेल है 285,778। इसके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स वो वोटर्स जो आर्मी में हैं वो हैं करीब 2591 हैं आज की डेट में, और इसके अलावा हमारे दिव्यांगजन के जो वोटर्स हैं वो 7156 हैं, और 80 प्लस वोटर्स जो हैं वो हमारे 11116 है। तो टोटल 18272 हमारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको जो दिव्यांगजन हैं या 80 प्लस हैं। इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन का फोकस था कि जो 80 प्लस और खासतौर पर जो 100 प्लस हैं उन लोगों को खासतौर पर इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उन लोगों से बात की जाए और उन लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए इलेक्शन में क्योंकि वोट डालने के लिए। तो हमारे 100 प्लस जो है वो 21 वोटर्स हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक फोकस और था कि जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 18-19 की जो आयु अभी प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का एनरोलमेंट पे भी जो है इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उस पर विशेष ध्यान दें। तो उसमें भी जो है करीब 19,741 के आसपास वोटर्स अभी उसमें एनरोल किए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1044 पोलिंग स्टेशन हैं, तो अब जो हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो जो है ऑल विमेन मैन पोलिंग स्टेशन होंगे वो। इसके अलावा 1 पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा क्षेत्र में वो होगा हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा मैंड होगा, और 1 पोलिंग स्टेशन जो है हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन होगा। इसके अलावा जो हमारे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को मैप करते हैं, तो इसमें मैपिंग के बाद जो है हमारे 26 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आए हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ में हैं, और 15 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल एरियाज़ में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है आपका हमारा प्रयास रहता है कि वोटिंग परसेंटेज वगैरह बढ़ाई जाए। तो लास्ट 2017 के जो इलेक्शंस में हमारे यहाँ पे 73.5% की जो है वोटिंग हुई थी पूरे जिले में, जो एवरेज था डिस्ट्रिक्ट का। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।